बेटा पढ़ा रहे, कल खाना बनाया था, सवेरे बना था, ऐसे रखा खाना, कम से कम 40 मिनट के बाद खाना खराब होता है, पता मुझे। अगर खाना बनाया हवी के अंदर बड़ी जर्म्स है, आप कभी सवेरे बनाया कभी भी शाम तक खा लो, नहीं 40 मिनट एक घंटा खाना बनाने के बाद एक घंटा तक रख सकते, उसके बाद वो खाना खाने योग्य नहीं है। आज बीमारियों का कारण क्या है, बीमारी कहां से आई, तो हवी के अंदर जर्म्स है। देखना आप कभी भी पानी एक ग्लास में डाल के रखो, दो दिन रखना, देख लो उसके अंदर क्या होता है ना, तो पानी के अंदर क्या होता है, तो ऐसे ही खाना बन गया, ठंडा हो गया, हवी के अंदर ही जर्म्स है, तो उसके अंदर बैठते दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए खाना बनाने के बाद गरम गरम एक घंटा, क्यों, शास्त्रों में कहा सात्विक तमो प्रधान सतो प्रधान, क्या चीज है, घीले रस वाले ताजे सतो प्रधान है, खाना सूखा सूखा नहीं, सूखे रूखे कड़वे खट्टे बासी तमो प्रधान है, खट्टे खाना है, कड़वे है, सूखा है, बासी है, ये तमो प्रधान है। क्यों, हम जो कुछ खाते हैं उसका रस हमको मिलता है, ये शरीर रस से चलता है, खून से चलता है। सूखा सूखा कुछ खाया, पकोड़ा खाया, पकोड़ा लिया, तेल से शरीर चलता है नहीं, खून। तो हमारा खाना रस वाला होना चाहिए, घीला होना चाहिए, सूखा सूखा नहीं। फिर कैसे होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, बासी नहीं, दो तीन दिन एक दिन पहले बना के रखा था, ताजा। ये सात्विक खाना, शरीर को क्या खिलाना चाहिए वो भी ध्यान चाहिए। कुछ भी खिलाओ बीमारी का कारण क्या है, अगर तन ठीक नहीं है मन कैसे लगेगा, योग कैसे लगेगा, है ना। तन की स्वच्छता चाहिए, तन की स्वच्छता के अंदर फिर आया सवेरे, देखो थोड़ा सा यहाँ ऐसे नीचे होता है, क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है क्यों, अगर आप दूरबीन लगाओ देखना बारीक बारीक कीड़े घूमते हैं, शरीर को पानी लग गया सड़ता है, जम दिया है, तो शरीर को पसीना आता है, किसी के बाजू में बैठो पा सकते हैं नहीं, शरीर स्वच्छ, देवताओं के शरीर से सुगंध आता है। तो हम कल देवता बनने वाले हैं, आज से ये संस्कार डालना चाहिए। अभी ठंडी है, बूट पहनते हो, मोजा पहनते हो, पसीना आता है, वॉकिंग करते हो, तो इधर आके बाजू में बैठो तो पा सकते, तो मोजा निकालना चाहिए, तो मोजा देखना चाहिए, रोज चेंज करना चाहिए, सवेरे शाम को शरीर को सवेरे शाम दो दफा स्नान करना चाहिए, है ना, कि एक दफा करना चाहिए, यूपी में पानी मिलता है, सवेरे ब्राह्मण दो दफा शरीर को स्वच्छ, कपड़े दो तीन दिन पहले थे वही पहन रहे हो, कपड़े की स्वच्छता पवित्रता क्या चीज है, तो वो बाबा कहता है कि शरीर की स्वच्छता, अन्न की स्वच्छता, कपड़े की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, घर में जाली है, मक्खी है, अगर एक मच्छर काटता है आज 2 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, डेंगू का साइंस तो नाम अलग रख दिया लेकिन मच्छर ही काटता है ना, तो इसके लिए मच्छरों से बचने के लिए खर्चा करना होता है घर की सफाई, हफ्ते में एक दफा कहीं भी जाली नहीं होनी चाहिए। देखो बाबा के घर में कहीं मक्खी है मच्छर है, देखा, देखो दादी ने कितनी अच्छी व्यवस्था किया, बाजू में मैं देख रहा था कोई झाड़ नहीं, सीमेंट से पैक किया, स्वच्छ, कहीं भी जाओ जाओ तो कुछ एक कागज भी गिराएगा, देखो हम कहते हैं मधुबन की बात कह रहे थे, हम भी चक्कर लगा के देखता हूँ, एक जगह पर एक कागज भी नहीं गिरा हुआ है, कितनी स्वच्छ लड़का है ना। इसको कहते हैं आश्रम, गृहस्थ को आश्रम बनाओ, घर में भी कहीं भी कपड़े पड़े हुए, खाना खा के बर्तन ऐसे रखा है, थाले ऐसे रखे है, नहीं, सफाई, वो संस्कार यहाँ से करना चाहिए। तीसरी बात, घर के बाहर जो पानी बहता है तो वहां मच्छर होंगे ना, तो मच्छर किसको काटेंगे, ये देवता को काटेंगे ना, और किसी को तो नहीं काटेंगे, तो घर के चारों तरफ स्नान करते हो पानी ज्यादा है तो घर के चारों तरफ झाड़ लगाना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्राण वायु चाहिए, वो कहां से आएगा, अगर हवा नहीं है तो कैसे जिएगा, तो घर के चारों तरफ स्नान करते हो, बर्तन साफ करो, पानी ऐसे जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, झाड़ लगाना चाहिए, झाड़ को पानी जाता है,
नहीं तो वहां पानी सड़ करके मच्छर बन गए, वो स्वच्छ था। तीसरी एक बात हमने कहा माता ऐसे करती है, हमने देखा माता क्या करती है, कल का सब्जी काटी छिलके, खाना बच गया सारा खाना सब्जी झाड़ू लगाया सब कुछ प्लास्टिक के थैले में डाल के और रस्ते पर फेंक देती गाय खाए नहीं। करते हो ऐसा? गाय प्लास्टिक खाएंगे तो क्या होगा, झाड़ू लगाया सब्जी काटी छिलके भी कहां पे फेंक दो, रस्ते पर फेंक दो, म्युनिसिपैलिटी वाले सफाई नहीं करते, गाय फिर प्लास्टिक खाती है तो चलेगा? तो क्या करते, कचरा कहां फेंकना चाहिए, डस्टबिन तो है नहीं, गवर्नमेंट वाले खाली नहीं करते, आते नहीं तो क्या करते, डस्टबिन तो है नहीं, हां ले जाता है, सदा नहीं ले जाता है, एक जगह पर पड़ा रहता है वहां सड़ता है, फिर गाय इधर उधर फेंक देते हैं, रस्ते पर प्लास्टिक कितना कचरा पड़ा है, तो कुछ उपाय है ना, उसका उपाय घर के बाजू में एक खड्डा खोदो, उस खड्डे में डालो रोज मिट्टी डालते जाओ, तो वो क्या होगा अंदर खाद भी बनेगा, मट्टी डालते जैसे खड्डा भर जाएगा, रोज एक एक डालते जाओ, घर के बाजू के म्युनिसिपैलिटी वाले सब जगह आते नहीं है, पड़ा रहता है, फिर गाय और कोई आते हैं तो फैल जाता है हवा में, प्लास्टिक उड़ जाता है इधर उधर, ये सारी गंदगी कौन, फिर गाड़ी में जाते हो ट्रेन में जाते हो कुछ खाते हो रस्ते पर फेंकते हो, तो ये कौन सफाई कर, भारत किसका है, गवर्नमेंट का कि हमारा, हमारा भारत है ना, तो हमारे भारत को स्वच्छ रखना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। तो कभी भी बच्चों को भी सिखाना चाहिए, रस्ते पर कहीं जाते हो तंबाकू खाया गुटखा खाया कहीं भी पी चुका नहीं, रस्ते पर चलते फिरते कहीं नहीं कुछ खा के प्लास्टिक गिराना नहीं, तो अपने साथ ट्रेन में भी जाते हो तो एक थैली रखो, कुछ खाया पिया उस थैली में डालो, बाहर उतरने के बाद जहाँ कचरे का डब्बा है उसके अंदर डालो, इधर उधर फेंकना चाहिए, बस पर जाते हो ट्रेन पर जाते हो रस्ते पर इतनी गंदगी किसने, अगर आपको हम पवित्र है और ये सब गंदगी किसने बनाया है ना, माता गुरु बच्चों को सिखाएंगे ना, बच्चे इधर फेंकना नहीं बाहर नहीं फेंकना, केला खाया कुछ भी खाया ट्रेन में जाते हो गाड़ी में जाते हो बाहर फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो ना, तो कौन सिखाएगा, माता गुरु सिखाएंगे ना, बच्चों को भी स्वयं को भी पति को भी घर में भी, घर की लक्ष्मी का घर के अंदर भी स्वच्छता चाहिए, तो ये पवित्रता की